हम पहुंचा रहे लंबे लोग, हमारे लिए कोई चीज मिलती ही नहीं है, कपड़े नहीं मिलते, हम क्या करें। कहते हैं कितनी सस्ती मिलती है भाई। मैं आई हूँ लाला पोर्ट, जो के लोकेटेड है पोदू में, और यहाँ पे DIY भी है एंड आपको जैपनीज ब्रांड्स एंड जैपनीज शॉप्स भी मिलेगी यहाँ पर। और हंतवा स्टेशन से डायरेक्ट रास्ता भी आता है लाला पोर्ट मॉल के अंदर। आज है हमारा लास्ट डे कुआलालंपुर में, तो आज हम शॉपिंग वगैरह थोड़ी बहुत कर लेते हैं, बैग पैक करके हम उसे रख देंगे और फिर हम चले जाएंगे मेराक, और पेराक में भाई की शादी है। तो नेक्स्ट व्लॉग आप लोगों को मिलने वाला है शादी की तैयारियों का, क्योंकि एक दिन हम शादी की तैयारियां करेंगे और दूसरे दिन होगी भाई की शादी। तो आज है हमारा लास्ट डे कुआलालंपुर में, और अभी मैं आई हूँ मिस्टर DIY यहाँ से कुछ चीजें बाय करने के लिए। यहाँ पर काफी अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट्स मिलती हैं। ये यहाँ पर इस तरह से मलेशिया का फ्लैग बना हुआ है, और ये सारी प्लास्टिक की बॉटल्स है, प्लास्टिक की बॉटल के ऊपर कलर किया हुआ है। लाला पोर्ट मॉल से मैं बाहर आ गई और टाइम स्क्वायर मॉल में मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी। शॉपिंग की है और अब हम आए हैं मैकडोनल्ड। वो देखो ऐसे होते हैं भाई, बहनों की शॉपिंग उठाते हैं और चलते हैं साथ में। देखो सीखो लड़कों सीखो, सिर्फ बीवियों के बैग नहीं उठाते, बहनों के भी बैग उठाने चाहिए। तो यहाँ पर चाइनीज जो है वो इस तरह से म्यूजिक से थेरेपी करते हैं, और आप यहाँ पे विक्स चेक करें कितनी जबरदस्त। अभी हम आए हैं मस्जिद जामिया के पास, मस्जिद जामिया ही नाम है जगह का, और यहाँ पर जो है छोटे छोटे से स्टॉल्स हैं शॉपिंग के। यहाँ पे चीप मार्केट है ये मलेशिया की कुआलालंपुर की मस्जिद जामिया, और ये छोटे छोटे देखो ऐसे स्टॉल्स लगे हुए हैं, और यहाँ पर सस्ती चीजें मिलती है। तो चलो चले देखते हैं कितनी सस्ती मिलती है भाई। इस पूरे व्लॉग में मैं आपको ऐसी ऐसी जगहों पे घुमाने वाली हूँ जहाँ पर आपको चीप चीजें मिलेगी, और ये देखें छोटी सी गलियों के अंदर मार्केट्स बनी हुई है, और यहाँ पर चीप चीप प्राइस में आपको काफी चीजें मिलेंगी। ये जो पर्स थे, ये पर्स मुझे इतने चीप नहीं लगे, खैर बाकी जो चीजें थी वो काफी सस्ती सस्ती थी। 10 रिंगिट के आपको शर्ट्स मिल जाएंगी, बैग्स मिल जाएंगे, स्कार्फ मिल जाएंगे, बच्चों की चीजें मिल जाएगी, फजूल की चीजें मिल जाएंगी, उल्टी सीधी चीजें मिल जाएंगी, फजूल के कचरे मिलेंगे जो के खरीदने होते नहीं है हमें, और हम सिर्फ देखते हैं विंडो शॉपिंग करते हैं। ये देखें 10 रैंकेट के यहाँ पे शर्ट्स भी हैं, और मुझे नहीं पता ये मशीन किस चीज़ की है, जब नहीं पता तो नहीं पता। तो भाई इस मार्केट में आए हैं भाई के लिए ड्रेस लेने के लिए। मस्जिद जामिया इंडिया, ये है मस्जिद जामिया इंडिया, और पूरे इलाके को भी मस्जिद जामिया के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर सारी चीप चीप मार्केट्स हैं शॉपिंग की। हाँ तो मैं ये कह रही थी कि हम यहाँ पर आए हैं भाई के लिए ड्रेस लेने के लिए, जो कि वो अपनी शादी में पहनेगा। हम पाकिस्तान से हमारा वेडिंग ड्रेस बनाकर लेकर आए थे, लेकिन यहाँ पर मलेशियन वेडिंग है तो जाहिर सी बात है इस तरह का ड्रेस जो है वो मलेशिया के ग्रूम का होता है, और मेरा भाई ये नमूना बनने वाला है। ये जो मार्केट है जामिया मस्जिद मार्केट, मेरे लिहाज से तो बेकार है, क्योंकि इतना चीप नहीं है जितना चीप वो मुझे मेरी भाभी बता रही थी कि चीप है, इनके लिए चीप होगा। और मुझे इंटरेस्ट इसलिए भी यहाँ पे इतना नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पर जो है ज़्यादातर इनके जो पहरवाज होता है, जिस तरह से इनके ट्रेडिशनल क्लोथ होते हैं ब्राइडल के, ग्रूम के, और जो इनकी लुंगियाँ होती है उस तरह के स्कार्फ यहाँ पे मिल रहे हैं, तो हमारे मतलब पाकिस्तानियों के मतलब का नहीं है। अगर फिर भी आना चाहो तो आ सकते हो, मेरी तरफ से रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि मुझे इतना मज़ा नहीं आ रहा यहाँ पर, मैं बोर हो रही हूँ। अब मलेशिया के लोगों के हिसाब से मार्केट बनी हुई है, तो उन लोगों के लिए ये चीप भी है और उनको जो चीज़ें चाहिए होती है वो मिल जाती है, लेकिन हम पाकिस्तानी हैं तो हमें वो चीज़ें नहीं मिलती जो हमें तो चाहिए होती है। अगर आपको स्कार्फ वगैरह लेने हैं अच्छी क्वालिटी के और चीप प्राइस में, तो आप लोग इस मार्केट आ सकते हैं, वरना स्कार्फ के अलावा तो मुझे ऐसा कुछ खास नज़र नहीं आया। वो इनके नमाज के मतलब जो पूरे ड्रेस होते हैं वो है, शादियों के ड्रेस हैं इस तरह के हैं, तो पाकिस्तानियों के लिए मतलब मेरे लिए अगर मैं बोलूँ तो मुझे नहीं मज़ा आया यहाँ पर। और बस मैंने स्कार्फ बाई किए हैं क्योंकि मैं स्कार्फ पहनती हूँ इसीलिए, बाकी और कोई इतनी खास नहीं है। तो चलो चले आगे।
और यहाँ पर एक अंडी अलग अलग नस्ल के विनिमको सेल कर रही हैं। और अभी हम बस मार्केट घूम ही रहे हैं और मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर वुमेन जो है वो किस तरह से बनाना का पकोड़ा बना रही है, मतलब बनाना पकोड़ा, केले का पकोड़ा। अभी दिखाती हूँ मैं कैसे बना रही है। ये बन के रेडी हो चुका है और ये जो है फिश सॉसेजेस है और फिश क्रोपो है। अच्छा, इनके जो समोसे होते हैं ना, आलू का समोसा, वो भी मीठा होता है। ये देखो, ये है बनाना। बनाने को 3 पीस किए हुए हैं, केले के 3 पीस करके, और वो फिर इस तरह से जो है बैटर के अंदर, मैदे के बैटर में मिक्स करके और फिर फ्राई करते हैं। मतलब ये देखो, सही से कमा रहे हैं। Actually, there have like Jalan Tun Abdul Razak or Jalan Tun Abdul Rahman. I'm not sure either one. But people call it usually Jalan Tar. ये जो Jalan Tar Market है ना, Jalan Tar Market मस्जिद जमेक मलेशियन में बोलते हैं, मस्जिद जामिया हम उर्दू में बोलते हैं, और उस मस्जिद को मस्जिद इंडिया ही बोलते हैं। तो ये आगे पीछे गलियों के अंदर है, तो जब भी आओ तो मतलब ये कि पैदल पैदल घूमोगे ना, आगे पीछे गलियों में बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। मुझे पहले पता नहीं था, मैं पहले Jalan Tar आई तो मैं पहले यहीं पर ही घूम रही थी इसी मार्केट में, लेकिन अभी जो है वो मस्जिद जामिया या मस्जिद जामिक या इंडियन मस्जिद जो भी है, वहाँ पर हमें ऊपर वाले ने ड्रॉप किया, तो हम पैदल पैदल चलकर आए, तो हम Jalan Tar फूड स्ट्रीट आ गए, और ये शॉपिंग मॉल भी है। तो घूमना पड़ता है आगे पीछे आगे पीछे, मतलब पूरी गलियों के अंदर कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है। तो हम सिर्फ अभी शॉपिंग ही कर रहे हैं, भाभी को कुछ वेडिंग के लिए चीज़ें लेनी थी तो वो ले रहे हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ कि जो Jalan Tar के अंदर जो फूड स्ट्रीट मैंने आपको दिखाई थी ना, तो मैं अभी आई हूँ, आज मंडे है और आज ये फूड स्ट्रीट नहीं लगी हुई, ये सिर्फ सैटरडे वाले दिन लगती है, मुझे नहीं पता था। तो सिर्फ सैटरडे को, कभी भी आए मलेशिया तो सिर्फ सैटरडे को आइएगा। इंडियन मार्केट के नाम से भी ये जाना जाता है, Jalan Tar मार्केट के पीछे इंडियन मस्जिद है। तो ये यहाँ पर जो फूड स्ट्रीट थी ना, जो मैंने फूड स्ट्रीट ब्लॉग दिखाया था, बिगेस्ट फूड स्ट्रीट, वो सिर्फ सैटरडे वाले दिन लगती है। और अभी मैं आई हूँ यूबी सो, ये मिनी सो की तरह ही है बिल्कुल, लेकिन मिनी सो में कम चीज़ें मिलती है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। ये है जैपनीज शॉप और ये टाइम स्क्वायर के अंदर है। लोकेशन जो है वो पुदू की है, टाइम स्क्वायर पुदू के अंदर मॉल है और मॉल के अंदर है यूबी सो। यहाँ की चीज़ों की क्वालिटी बेस्ट होती है। ये है मसाजर, वॉलेट और बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो अगर आप मिनी सो, डाई सो के शौकीन हैं तो आपको यूबी सो भी आना चाहिए और यहाँ पर एक्सप्लोर करना चाहिए कि कितनी खूबसूरत और कितनी अच्छी क्वालिटी की चीज़ें हैं। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। और अभी मैं जा रही हूँ सेकंड फ्लोर पर और यहाँ पर बहुत सस्ती मार्केट प्लस, यहाँ पर हर चीज़ आपको बहुत ही कम प्राइस में मिलेगी। तो चलो अंदर देखते हैं कि क्या क्या है यहाँ पर। यहाँ से तो आपकी बहन ने बहुत सारी शॉपिंग की थी, मतलब मेरा दिल कर रहा था मैं पूरी दुकान उठा लूँ। बेस्ट क्वालिटी और बहुत ही कम प्राइस में, तो जो मेरी मतलब की शॉप होती है ना, मुझे वहाँ बहुत मजा आता है। और यहाँ पर हर तरह का मेकअप था, लोकल मेकअप है ये सारा, और मैंने बाय नहीं किया क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारा मेकअप है और मुझे बाय करने की कोई नीड भी नहीं थी। ये यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे ट्राउज़र्स हैं, लेकिन ये यहाँ पे जो बोनी बोनी लड़कियाँ होती हैं ना, उनके लिए सही है। देखो मैं यहाँ लगा रही हूँ तो मेरे कहाँ जा रहा है इधर। मैं लंबी लड़कियों के लिए भी कुछ बना दो यार, हद होती है। हम पहुँचा रहे लंबे लोग, हमारे लिए कोई चीज़ मिलती ही नहीं है, कपड़े नहीं मिलते, हम क्या करें। बनावा कितना ज़बरदस्त है, और ये मैंने इतनी सारी शॉपिंग की है भाई साहब। तो जब भी मलेशिया विजिट करो, हॉट मार्केट ज़रूर आना। ये है पुदू में, टाइम स्क्वायर मॉल का नाम है, सेकंड फ्लोर पर है हॉट मार्केट, बेस्ट है। अगर किसी के लिए गिफ्ट ले जाना है तो सस्ते में पड़ जाएंगे, यहाँ से ले लेना, सही बता रही हूँ। तो भाई नेक्स्ट व्लॉग आने वाला है शादी की तैयारियों का व्लॉग, तो जल्दी सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कॉमेंट करो और वेट करो वेडिंग व्लॉग का। बाय बाय।